नमस्कार दोस्तों, हर कोई अपना सेहत के बारे में सोचता है और सोचना भी चाहिए, क्योंकि सेहत ही हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आदमी इस बात को मान ले तो सेहत के बारे में ज़्यादा ख्याल रख पाएगा। लेकिन दुख की बात यह है, जब तक हमारे शरीर में कोई पीड़ा, दर्द या बीमारी ना हो, तब तक हम लोग मान लेते हैं हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। कई ऐसे सिम्टम हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, अगर इसे आप पहचान पाएंगे तो सतर्क हो पाएंगे और आप समझ लेंगे आप स्वस्थ है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में, कैसे आप पहचानेंगे आप स्वस्थ है कि नहीं है। आप अपने आप से पूछ सकते हैं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आपको समय में भूख लगती है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप रात को ठीक से नींद ले पाते हैं। और तीसरा सवाल है कि आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। अगर इस 3 सवाल का उत्तर अगर हाँ है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन अगर इस 3 सवाल का उत्तर किसी एक भी ना में हो तो आप समझ लीजिए बाद में जाके आपको बहुत बड़ी परेशानी की सबब झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने सिम्टम को पहचानिए और डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देर कर देते हैं, बाद में जाके बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, और भी कई ऐसे लक्षण होती है हमारे शरीर में जिसे पहचान कर हम सतर्क हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आँखों से। नंबर 1, आँखें। दोस्तों, ऐसे भी आँखें हमारे शरीर के दर्पण होते हैं। चाहे समस्या हो, शारीरिक हो या मानसिक, आँखों में झलकती जरूर है। इसको छोड़कर भी और भी कई गंभीर समस्या आँखों के रंग को देख के पहचाना जा सकता है। अगर आपकी आँखें की रंग पीली पड़ने लगे तो इससे आप समझ सकते हैं आपकी डाइजेस्टिव समस्या हो रही है। चाहे वो गोल ब्लैडर की समस्या हो या तो पैंक्रियाटिक या और लीवर की। इसके अलावा अगर आपकी आँखें लाल होती है तो इससे आप पता लगा लीजिए आप शायद ठीक से नहीं सोए होंगे या तो आपकी आँखों में ज़्यादा दबाव पड़ा है। और तीसरा चीज़ है, अगर आपके आँखों के नीचे काली पट्टी पड़ती है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप शायद मानसिक दबाव में हैं। तो ऐसे आँखों को देख कर आप अगर पहचान सकते हैं और सतर्क हो सकते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। नंबर 2 है नाखून। दोस्तों, हमारे नाखून भी हमारे सेहत के बारे में बहुत कुछ कहता है। अगर हमारे नाखून पीले पड़ने लगे तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में खून की चलाचल ठीक से नहीं हो रही है। और दूसरा जो चीज़ है, अगर हमारे शरीर में पुष्टि के अभाव होती है तो हमारे नाखून की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए आपको पुष्टि पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, खर्राटे। दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो और रात को सफ़र कर चुके हो तब तो शायद आपको इस गंभीर एक्सपीरियंस हो चुकी होगी, क्योंकि रात को ट्रेन में सफ़र करते हुए आप कई तरह की खर्राटे की आवाज़ सुने होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक खर्राटे नहीं है बल्कि इसके पीछे कई गंभीर बीमारियाँ छुपी हुई हो सकती है। चाहे वो स्लीप एपनिया हो, मोटापा हो, हृदय रोग हो या तो हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। क्योंकि आदमी का जब तनाव भी होता है तब भी आदमी खर्राटे मारते हैं, इसीलिए खर्राटे को आप हल्के पर ना लें। अगर आपके खर्राटे आपको परेशानी ना भी कर रही हो तो दूसरों को परेशानी करती है और इसमें गंभीर बीमारी भी छुपी हुई रहती है। इसीलिए खर्राटे की आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नंबर 4, पेशाब की रंग और इसके गंध। दोस्तों, इस पेशाब की रंग से भी आप कई बीमारी का पता लगा सकते हैं। अगर आपके पेशाब का रंग गाढ़ा हो और इसमें दुर्गंध मार रहा हो तब तो गंभीर बीमारी का संकेत भी है। इसीलिए अगर आपका ये समस्या है तो आप ज़रूर अपने नज़दीकियों की डॉक्टर से सलाह लें और इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। नंबर 5, त्वचा का रंग। त्वचा का रंग अगर पीला होता है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जॉन्डिस के बीमारी के बारे में, क्योंकि जॉन्डिस के बीमारी में आपका त्वचा का रंग पीला होता है। इसके अलावा अगर आपके त्वचा में निखार नहीं होती है और फैकासे टाइप का होता है, इसकी संभावना है कि आपके शरीर में खून की या आयरन की कमी हो और आप थकान महसूस करते होंगे। नंबर 6, थकान। दोस्तों, थकान एक ऐसा लक्षण है जो ज़्यादातर बीमारी में दिखाई देती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हृदय रोग हो या हाइपरटेंशन। थोड़े देर चलने के बाद या सीढ़ी चढ़ने के बाद आप थक जाते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है। इस लक्षण को बिल्कुल आप नज़रअंदाज ना करें, ज़रूर इसका ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि दोस्तों, अगर सेहत ठीक रहेगा तो दुनिया आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगी, लेकिन सेहत बिना दुनिया बेकार की है। इसीलिए इस लक्षण को पहचानें और पहले ही सतर्क हो जाए,
जिससे बाद में जाकर आपको परेशानी झेलनी ना पड़े। इससे आपके अंदर और आपके फैमिली के अंदर माहौल भी ठीक रहता है, तनाव कम पैदा होता है और फाइनेंशियल जो बजट है वो भी घट जाता है। इसीलिए आप पहले अगर सतर्क हो जाते हैं तो आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दे, धन्यवाद।